नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दर्शकों, क्या आपके घर में बहुत सी परेशानियां हैं, नौकरी नहीं लग रही है, संतान की परेशानी आ रही है? तो हम आपको बताएंगे आज वास्तु उपाय, वायव्य कोण के बारे में। वायव्य कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही वास्तु दोष है तो उन्हें कैसे खत्म किया जाए, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि वायव्य कोण का इतना महत्व क्यों है। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, वास्तुदेव का आशीर्वाद और कपादश्री हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज गुरुवार का दिन है और आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के वास्तु के बारे में, आपकी शॉप, आपके शोरूम, आपकी फैक्ट्री के वास्तु के बारे में। तो दोस्तों, जल्दी से कागज पेन अपने हाथ में ले लीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके घर के, आपके ऑफिस के उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में, अर्थात वायव्य कोण के बारे में, अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो कैसे आपके घर के, आपके ऑफिस का, आपकी शॉप का, आपके शोरूम का वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की, आपके बिजनेस की, आपके शॉप की दशा को बदल सकता है, ये समझना जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शॉप की वायव्य कोण के बारे में। तो सभी दिशाओं में एक अहम स्थान रखती है आपके घर की वायव्य दिशा। वायव्य कोण में शनि का वास बताया गया है। तो यदि आप अपना घर, दुकान, शोरूम, फैक्ट्री बना रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वायव्य दिशा के महत्व को समझना होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। इस दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, वहां क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके संतान गलत संस्कारों में पड़ती जा रही है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि लाख कमाने के पश्चात भी आपके हाथ में पैसा बचता नहीं है? क्या आपके घर में महिलाएं हमेशा बीमार रहती है? क्या घर में हमेशा पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहु, देवरानी जेठानी में तू तू मैं बनी रहती है? यदि हां, तो इसके पीछे एक मूल कारण, एक बड़ा कारण आपके घर के वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होना है। यदि आपके घर का, आपके शॉप का वायव्य कोण उत्तर पश्चिम की जो दिशा है, वास्तु सम्मत है, तो निश्चित तौर पर आपके घर में, आपके व्यापार में बरकत बनी रहेगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि आपके घर का, आपके शोरूम का वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, दोष युक्त है, तो नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट बने रहते हैं, संतान कुमार पर चलती है, सारा पैसा बीमारियों पर खर्च होता है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज बात करते हैं आपके घर की एक अहम दिशा, वायव्य कोण दिशा के बारे में। इस दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, इन दिशाओं में क्या हो, क्या ना हो, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल पंडित जी। तो दोस्तों, आपको पंडित जी बता रही हैं कि किस तरह से वायव्य कोण में कुछ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कितना महत्व रखती है ये दिशा। तो चलिए जान लेते हैं कि वायव्य कोण में क्या होना शुभता लाता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वायव्य कोण में क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य का जो कोणीय स्थान है, उसको वायव्य दिशा का नाम दिया गया है। इस दिशा का मुख्य तत्व जो है वो वायु को माना गया है। वायव्य कोण पर वरुण देव का पूर्ण अधिकार है। वायव्य दिशा को नैऋत्य और आग्नेय कोण, नैऋत्य कौन सा हुआ साउथ वेस्ट, आग्नेय कौन सा हुआ आपका साउथ ईस्ट, उन दोनों कोणों से, उन दोनों दिशाओं से नीचे रखने पर ही शुभ फल मिलता है।
आपके घर की, आपके शॉप की, वायव्य दिशा का, उत्तर पश्चिम दिशा का वास्तु दोष मुक्त होना मान यश की प्राप्ति करवाता है। वहीं वायव्य में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होने पर धन की हानि होती है, यश की हानि होती है। घर का हर सदस्य पैसे पैसे के लिए, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। कोर्ट कचहरी, गंभीर बीमारियों में उलझना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके घर के, आपके शोरूम के वायव्य दिशा में क्या होना चाहिए। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानकारी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके घर के अंदर जो जल भंडारण हेतु जो सभी ओवरहेड टंकियां, जो हम छतों के ऊपर जो टंकियां रखते हैं, वो आपकी छत पे किस जगह होनी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उत्तर पश्चिम जो दिशा है, वायव्य कोण में आप टंकियां रख सकते हैं, ओवर हेड टैंक। ध्यान रखिएगा, टंकी रखने का स्थान बता रहा हूं। वहीं ये स्थान गेस्ट रूम को बनाया जा सकता है, मेहमानों का कक्ष बनाया जा सकता है, ड्राइंग रूम के लिए भी सबसे अच्छा बताया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके घर के अंदर यदि जवान कन्या बैठी हुई है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, लाख प्रयास करने के पश्चात में भी, तो आपके घर के अंदर वायव्य कोण में जो बना हुआ कमरा है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो कमरा है, उस कमरे को बच्ची के सोने का कमरा बना दीजिए। बहुत जल्दी इस बच्ची का विवाह हो जाएगा। यहां उल्टा है, अगर आपने साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में अपनी बच्ची को बेडरूम दे दिया, तो ताउम्र आपके घर में बैठी रहेगी। और यदि आपने उसको वायव्य कोण के कमरे के अंदर सुलाया, उसका बेडरूम वहां बना दिया, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी उसको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। इस बात को आप समझिएगा और देखिएगा। किराएदारों का कमरा होना बहुत लाभकारी होता है। यहां पे भी एक बात समझने वाली बात है, साउथ वेस्ट में किराएदार को अगर बैठा दो, कभी खाली नहीं करेगा आपका घर। नॉर्थ वेस्ट में आपने रूम के अंदर किराएदार रख रखा है, तो वो जल्दी खाली होते रहेंगे। अन्न भंडार के लिए, स्टोर रूम के लिए भी वो स्थान सबसे उपयुक्त बताया गया है। वाहन, पशु का स्थान, वाहन रखना मतलब गैरेज पोर्शन जैसे हुआ, अगर कोई आपने जीव जानवर घर में पाल रखा है, तो उसका स्थान भी वायव्य कोण में बनाना शास्त्र सम्मत माना गया है। घर में काम करने वाले कर्मचारियों का स्थान भी वहां पे उपयुक्त माना जाता है। दुकान में तैयार, आपकी शॉप है, उस शॉप के अंदर जो रेडी गुड्स है, मैक्सिमम जो आप माल बेचना चाहते हैं, उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, तो बहुत जल्दी वो मूव होता रहता है। अपने घर की जो चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा मोटा बनाइए वायव्य कोण साइड की, और उसको ऊंचा बनाइए। ध्यान रखिए कि आपके घर का जो वायव्य दिशा है, कोण है, वहां पर निर्माण होना अति आवश्यक है। उसे निर्मित रखे, बनाकर रखे, खाली ना रखे। आपके घर में स्टेयर्स, बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम सीढ़ियां कहां बनाए पंडित जी, तो आपके घर के अंदर जो स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो बताया गया है, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात वायव्य कोण में आप सीढ़ियां बना सकते हैं। वाहन रखने के लिए आप गैरेज बना सकते हैं, और अति आवश्यकता में रसोई घर भी वहां पर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो वायव्य कोण में क्या होना चाहिए ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन क्या ना हो ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं, बबीता जी दिल्ली से जुड़ गई हैं। पंडित जी, बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। सबसे पहले तो आपके चरणों पर मैं अपना सर रख के आपको प्रणाम करती हूँ, और मेरा सौभाग्य है जो आपसे बात करने की मुझे आज मौका मिला है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त सन 1978 और टाइम है सुबह 6:30 बजे 6:30 AM। जी पूछिए। पांडे जी, मेरे हस्बैंड की जॉब में काफी टाइम से बहुत परेशानियां आ रही हैं, अब भी पिछले 1.5 साल से ये खाली है, तो कभी जॉब 2 महीने के लिए 6 महीने के लिए लगती है, 2013 से ये प्रॉब्लम बनती आ रही है, तो मैं क्या उपाय करूं कि उनको अच्छी जॉब मिले और जॉब पे। देखिए बेटा, आपको सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। माता रानी आप सबको हमेशा प्रसन्न रखे, सुखी रखे। जहां तक आपके पति की जन्म कुंडली का सवाल है,
इनकी जन्म कुंडली में 19 साल की शनि की महादशा चल रही है, 19 ईयर की। 2005 ऑनवर्ड से शनि की महादशा शुरू हुई, 2024 तक शनि की महादशा चलती है। शनि इनकी जन्म कुंडली में फाइनेंशियल हाउस में, धन भवन में, पैसों के घर में अपनी शत्रु राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में। तो जब शनि खराब हो जाता है तो निश्चित तौर पे घर की दशा बिगड़ जाती है, व्यापार की, काम की दशा बिगड़ जाती है। एक तो तुरंत प्रभाव से आप इनको लोहे का छल्ला, छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, मिडिल फिंगर में आप इनको पहना दीजिए शनिवार के दिन। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ जो सर्प दोष है, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान से सर्प दोष बनता हो, ऐसे लोगों को जीवन में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उज्जैन या नासिक जाकर एक बार सर्प दोष की पूजा करवाएं। एक चीज जो इनकी कुंडली ये कहती है कि अभी अक्टूबर ऑनवर्ड से, एक महीने पश्चात से, देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और गज केसरी योग बना हुआ है चंद्र गुरु का, यदि ये विदेश जाके काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके अगर ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होगा। तो यदि कोई ऐसा ऑप्शन मिलता हो जो कि हिंदुस्तान से बाहर का हो तो इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में NRI बनने के योग है। इनका गोल्डन पीरियड सन 2024 से शुरू होगा, तब तक थोड़ी हर्डल्स हैं। सप्ताह में एक बार, संभव हो सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार के दिन, या महीने में एक बार पाठ करें। और विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप खाना बनाएं अपने घर में, आपके किचन में, तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, ईस्ट देखते हुए आपको खाना बनाना है। बाकी चीजें जो है वो अक्टूबर ऑनवर्ड से आपको सुधरते हुए दिखाई देगी। जी बबीता जी, उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, और मेहनत जब हम करते हैं तो प्रयास असफल नहीं होते हैं, तो आप परेशान मत हो, आपके पति की जॉब जल्द ही लग जाएगी। आगे कविता जी जुड़ गई हैं किशनगढ़ से। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण बेटा। समय के लड़के बारह, तारीख समय बताएं। 17 अगस्त 1992 रात का समय 10:21 जी। प्रश्न पूछिए। मैं उसके बाद कोई नौकरी में नहीं लगी, अभी तक शादी भी नहीं हुई था, कोई लड़की देखने आते हैं तो उसके जन सेवा भी नहीं होते। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो इस बच्चे का रेवती नक्षत्र का जन्म है, रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है, पैदा होते ही 27वें दिन इसकी मूल शांति होनी चाहिए। यदि आपने इसका, जब ये बच्चा पैदा हुआ और 27वें दिन इसकी मूल शांति करवा दी थी तो अति उत्तम है, यदि नहीं करवाई है तो तुरंत प्रभाव से करवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर जो मूल नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं रुकावट बनता है। दूसरा, इसके विवाह का योग जो बनेगा, शुक्र की महादशा और चंद्रमा का अंतर, अप्रैल 2019 अगले वर्ष की शुरुआत के जो 5-6 महीने हैं उसमें इस बच्चे का विवाह हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और इसका अच्छा समय भी, ये सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करे तो इसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी, सिर्फ एक ही समस्या है कि इसके भाग्य स्थान के अंदर राहु बैठा है। भाग्य स्थान पे जब राहु बैठता है, राहु मतलब सांप टेढ़ा चलता है, तो ये राहु भाग्य स्थान को फ्लक्चुएट कराता है। हर रविवार को आपके वहाँ अजमेर में अनासागर झील है, वहाँ जाकर मछलियों को कुछ ना कुछ वहाँ पे खिलाना है। अगर संभव हो तो वाइट उड़द की दाल के, सफ़ेद उड़द की दाल के, जैसे अपन दही बड़े बनाते हैं वैसे बड़े बनाकर, हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगाकर मछलियों को खिलाए, 11 रविवार करे, निश्चित तौर पर विवाह तो होगा ही, उसके साथ साथ नौकरी के अंदर जो अड़चने हैं वो भी दूर होगी, अपना खुद का काम भी बच्चा सोच सकता है, अपना व्यापार के बारे में भी डिसीजन ले सकता है। जी कविता जी, तो उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, शादी के साथ साथ करियर के बारे में भी बता दिया है, तो आप परेशान ना हो, प्रयास करते रहिए। आगे सुमन जी जुड़ गई हैं पंडित जी, अलवर से ये कॉल कर रही हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। जी सुमन जी, अगर सुन पा रही हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ और समय दें। 6:05 तारीख बोले बेटा पहले। 30 मई 1984 रुकम। समय? समय है 6:05। सुबह शाम? सुबह का है, मॉर्निंग का है। जी जी, प्रश्न पूछिए आप। हाँ, ये मेरे बेटे की शादी के बारे में मालूम करना चाह रही हूँ कि शादी कब तक होगी, किस दिशा में होगी, कैसा करियर रहेगा साहब बच्चे के। देखिए सुमन जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे बच्चे के हॉरोस्कोप में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन
फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स, 2002 से ही बच्चा राहु की महादशा में से गुजर रहा है। राहु मतलब सांप, सांप मतलब टेढ़ा चलना, और ऊपर से अभी राहु की महादशा और चंद्रमा का ग्रहण योग शुरू हो चुका है। इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण वाला पीरियड इस बच्चे का चल रहा है। तो 18 साल की जो राहु की महादशा है, जिसके कारण इस बच्चे के जीवन में हर तरह की रुकावट आई, इतनी उम्र होने के पश्चात में भी विवाह नहीं हो रहा, उसका मूल कारण दो है। एक तो ये राहु की महादशा, दूसरा यदि आपने देखा हो तो उसके छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में मंगल और शनि दोनों साथ बैठे। यदि आप हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते हो तो हम कई बार कहते हैं कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बन जाती हो, ऐसे जातकों का, ऐसे लोगों का या तो विवाह होता नहीं है, और अगर विवाह हो जाए तो फिर वो विवाह सफलतापूर्वक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती। तो अपने यहाँ राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के डंड यानी उसकी लकड़ी की साक्षी में शनि मंगल की शांति करवाई जाती। तो योग्य आचार्य से आप वहाँ बात कर लीजिएगा, अगर कोई किसी को इसका ज्ञान हो तो। शनि मंगल जो जॉइंट होके बैठे एक कमरे में, एक साथ एक घर में बैठना, दो पावरफुल ग्रह जो हैं, वो इसकी इतनी एनर्जी हो गई कि उसने इसके विवाह के सुख को रोक दिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले वर्ष इसका विवाह का योग बनेगा, तो आपको काम ये करना है कि मंगल शनि की शांति करवानी है, पितृदोष है आपके घर के अंदर, पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक जलाएं, एक बार पुष्कर जाकर अमावस पे पितरों के नाम का वहाँ पे पितृ शांति करवाएं, अगले वर्ष में इसका विवाह निश्चित तौर पर होगा। जी तो दर्शकों, आज हम आपकी समस्याओं के समाधान तो जान ही रहे हैं, साथ ही बात कर रहे हैं वायव्य कोण की, कि वायव्य कोण में क्या होना चाहिए। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए प्रफुल्ल जी का कॉल ले लेते हैं। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं अपना। 22/12/1960 दिन में 1:30 बजे। 1960। हाँ 1960। जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्णा। 2-3 महीने पहले एक प्लाट, समय समय एक सेकंड समय बताइएगा। समय दिन में 1:30 बजे जी। अब पूछिए। 2-3 महीने पहले एक प्लाट परचेज किया था बैंक से, लोन लेके, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। तो कंस्ट्रक्शन लोन में क्या है पंडित जी, बैंक ने पूरा पैसा दिया नहीं, तो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पैसों की व्यवस्था बैठ नहीं रही है। तो भाई अब बैंक प्रेशर डाल रहा है, भाई इसको एक साल में कंस्ट्रक्शन करके दिखाना पड़ेगा, तो भाई प्लाट को रखे या इसको बेच दे, बड़ी समस्या आ रही है प्लाट की शुभता के लिए। देखिए ऐसा है, आपकी जो आपने डिटेल्स भेजी हैं प्रफुल्ल, उसके हिसाब से निश्चित तौर पे मैं आई एग्रीड विथ यू, क्योंकि आपकी बुध की महादशा चल रही है। बुध आपकी जन्म कुंडली में आपके चतुर्थ भाव का जमीन जायदाद के घर का जो स्वामी है वो है बुध। वो बुध जो है वो अस्त है आपकी कुंडली के अंदर। 16 साल की आपको बुध की महादशा शुरू हुई है 2016 सितंबर से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जमीन जायदाद का सुख मिले, आपके मकान में आ रही अड़चने दूर हों, तो सबसे पहला काम तो ये आपको करना है कि तुरंत प्रभाव से आपको एक पन्ना रत्न धारण करना है। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में धारण करना है, गोल्ड के अंदर। खूब हरे कपड़े पहनने, हरी सब्जी खूब खानी है, हरी चद्दर पे सोना है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, बुधवार को आपको गणेश जी के मंदिर में दर्शन करना है। जहाँ तक अभी लगता है कि जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन, जो अड़चने आपके चल रही हैं, ये सभी अड़चने अक्टूबर के पश्चात में खत्म हो जाएंगी। प्लाट को बेचना समाधान नहीं है, हमें लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और उसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, चूंकि आपकी कुंडली में भारी पितृदोष है, पितरों के नाम का प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए पानी के मटके के पास। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि जो भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो सब दूर हों, सुख शांति समृद्धि का वास हो। ये उपाय कीजिए, आप निश्चित तौर पे आपका प्लाट बचेगा, हमें बिकने का अभी कोई योग नजर नहीं आता है। जी प्रफुल्ल जी, उपाय पंडित जी ने बताए हैं, आप वो कीजिएगा और आपका प्लाट कहीं नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। दर्शकों आगे वायव्य कोण के बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ आपको छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु उपाय की। वायव्य कोण के बारे में हम जान रहे हैं, महत्व क्या होता है ये जान दिया, और क्या होना चाहिए वायव्य कोण में ये भी जान दिया, आगे क्या ना हो ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले राजकुमार जी अलवर से जुड़ गए हैं। पंडित जी, राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं जी। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं तो जल्दी से डेट ऑफ बर्थ और समय दें अपना। इनका कनेक्शन टूट गया पंडित जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमसे समाधान जान सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और वायव्य कोण के बारे में जान लेते हैं कि वायव्य कोण में क्या नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपके घर के, आपके शॉप के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसे हम वायव्य कोण के रूप में जानते हैं, वहां क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज है, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो कमरा बना हुआ है, वायव्य कोण में जो रूम बना हुआ है, वहां पर आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बेडरूम नहीं बनाना है। उस जगह पर वायु का प्रकोप होता है, उच्चाटन होता है। अगर आपने वहां पर बड़े बुजुर्गों का कमरा बना दिया तो वो बहुत ज्यादा बीमार होने लग जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, मनोस्थिति खराब हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको कभी खाली मत रखिए, अन्यथा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंटल योग बनते हैं। आपके घर के वायव्य कोण को ईशान कोण से नीचे कदापि ना रखिए, ऐसा करने पर शत्रुता और रोग से आप परेशान रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, वायव्य दिशा के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको कुआ नहीं बनाना है, बोरिंग नहीं बनानी, गड्ढा नहीं खोदना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर के अंदर कोई महिला यदि गर्भवती है, प्रेग्नेंट महिला को घर के वायव्य कोण में बने कमरे के अंदर, वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बने कमरे में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वहां पर वायु का प्रकोप होता है। उस कमरे में यदि गर्भवती महिला को रखा जाएगा, एबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कभी भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर गर्भवती महिला को नहीं रखना चाहिए। यदि आप शोरूम के मालिक हैं, दुकान चलाते हैं, आपकी फैक्ट्री है, तो वायव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बने कमरे में आपको नहीं बैठना है। आप फैक्ट्री में, शोरूम में टिक ही नहीं पाएंगे यदि आप वहां पर बैठ गए तो। कैश काउंटर भी आपको वहां नहीं रखना चाहिए। बच्चों के पढ़ने का कमरा अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में बना दिया तो बच्चों में हमेशा उच्चाटन बना रहेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और घर की नई जो बहू है उसको भूल कर भी वायव्य कोण में नहीं रखे। उसका कारण क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि वायव्य कोण के अंदर वायु का प्रकोप रहता है, उच्चाटन होता है, वहां कोई आदमी परमानेंट टिक नहीं पाता है। ऐसे लोग जिनका घूमने का काम ज्यादा हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वास्तुशास्त्री हो गए, पंडित जो घूमते रहते हैं लोग बाग, वो वायव्य कोण में अपना बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन नई बहू का आपने रूम बना दिया तो बार बार उसके पांव बाहर निकलेंगे, उसका घर में मन ही नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा घर में तो फिर दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके घर के वायव्य कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, ये भी आपने बता दिया कि वायव्य कोण में क्या ना हो, लेकिन अगर किसी के घर का खाली स्थान हो या कुआ बना हो तो ये वास्तु दोष कैसे खत्म किए जाए? निश्चित तौर पे वायव्य कोण के अंदर जो दोष है उनको बगैर तोड़फाड़ के कैसे ठीक करें, क्या सटीक और प्रमाणिक उपाय, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पूर्णिमा की रात को चावल दूध की खीर बनाकर चंद्रदेव को भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान करें, स्वयं और बाकी सदस्य ग्रहण करें। वायव्य क्षेत्र में स्वाति जल यानी वर्षा का जल किसी कांच की हरी या नीली बोतल में भरकर रख दें, चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अपने मां का
हमेशा आदर करें, सत्कार करें, सुबह उठकर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का ध्यान करके कच्चे दूध का अर्घ देना तत्काल लाभ देता है। वायव्य दिशा के दोष निवारण हेतु घर के पूजा स्थान में प्राण प्रतिष्ठित मारुति यंत्र, सोम यंत्र, चंद्र यंत्र की स्थापना करके पूजन करें। किसी भी प्रकार का दोष वहां है तो मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की या श्री शिव जिन्होंने मस्तक पर चंद्र और जटा में मां गंगा को धारण किया है उनकी तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। वायव्य कोण के तमाम दोष जो है वो खत्म होंगे। तो इस प्रकार आज मैंने आपको आपके घर के, आपके शॉप के वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। आशा है आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आज का गुड लक टिप्स भी जल्दी से लेना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का दोष है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, भाग्य जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, रुकावटें आती है भाग्य में, अनुकूल स्थितियां होते हुए भी आपके विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आज गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। गुरु आपके वैवाहिक और भाग्य का कारक ग्रह है। साथ ही यह दिन साई बाबा का भी है। अगर आप उन्हें मानते हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जानते कुछ ऐसे उपाय जो गुरुवार के दिन करने से जल्द आपका विवाह होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन नहाते समय नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर नहाने के पश्चात केसर का तिलक लगाएं, केले के पौधे में जल अर्पण करें, धूप दीप से पूजा करें। गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस नाम का पाठ करें। हर गुरुवार को विष्णु भगवान को केसर का तिलक लगाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जी पंडित जी, अब जल्दी से जानना चाहेंगे 30 अगस्त यानी आज जन्मे लोगों का साल कैसा रहने वाला है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के वो दर्शक जिनका आज जन्मदिन है उनको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु, खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करें, प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। नया वर्ष आपके लिए पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नई व्यापार की योजना बनेगी, नौकरी में तरक्की होगी। हमारे जो अविवाहित दर्शक हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।